अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है उमर और मैं एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और पूछे जाने वाला सवाल कि ट्रेडमार्क की ऑब्जेक्शन क्यों आती है और अगर आ गई है तो उसको किस तरीके से हैंडल किया जाए। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, ये तकरीबन हर केस में तकरीबन आ जाती है। और इसके दो पोटेंशियल रीजंस हो सकते हैं, एक ये कि ये अंडर सेक्शन 14 आ सकती है जो कि एब्सोल्यूट ग्राउंड ऑफ रिफ्यूज़ल है, और दूसरा ये कि अंडर सेक्शन 17 आ सकती है ऑब्जेक्शन जो कि रिलेटिव ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूज़ल है। मोस्टली ऑब्जेक्शन क्यों आती है, वो इसलिए आती है कि जो ट्रेडमार्क का लोगो या नाम आप ने यूज़ कर रहे हैं और अप्लाई किया हुआ ट्रेडमार्क के लिए, वो नाम एक्चुअली किसी के पास पहले से ही है, तो वो मैचिंग का प्रॉब्लम आ रहा है। और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक ही गुड्स की, एक ही प्रोडक्ट के दो क्या कहते हैं, एक ही नाम हो बट ओनर्स मुख्तलिफ हों, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से प्रोटेक्शन दी जाती है कि अगर आपने एक ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया है तो वो उसकी अपनी यूनिक आइडेंटिटी हो और वो किसी और गुड के नाम या लोगों के साथ इंटरवीन ना कर रहा हो, कोई मैच ना कर रहा हो। तो उस केस में क्या होता है कि रजिस्ट्रार एग्जामिनर को कहता है कि भाई अंडर सेक्शन दिस, इस एप्लीकेशन के अंदर ये ऑब्जेक्शन है, तो फिर वो क्या करते हैं कि आपको नोटिस भेजते हैं और उसका आपने रिप्लाई करना होता है 1 या 2 माह के अंदर अंदर। अब रिप्लाई ड्राफ्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर क्योंकि ये बातों से आप इधर काम नहीं चला सकते। जो आपको नोटिस आया है, जो ऑब्जेक्शन आया है, आपने उसका पैरा वाइज जवाब देना है, और लिखाई की सूरत में जब जवाब दे दिया तो उसके नीचे आपने एविडेंस भी देना है। सिर्फ यही नहीं बात करनी कि भाई वो कह रहा है कि भाई मैच करता है और उसने प्रूफ भी लगाए हैं रजिस्ट्रार ने, आपका नोटिस आता है उसके पीछे 7-2-3 सफ़े और होते हैं जिसके अंदर बताया जाता है कि ये देखें, ये एक पहले से मौजूद है, ये इस तरीके से मैच कर रहा है, ये वो दूसरा प्रोडक्ट का जो नाम है वो इस तरीके से आपके नाम के साथ मैच कर रहा है। तो फिर आपने उनका पिन पॉइंट वन बाय वन उनको टच करके आप जवाब दें कि किस तरीके से आपके प्रोडक्ट का नाम जो है वो जो रजिस्ट्रार ने लेटर में भेजे हैं आपको, उनसे किस तरीके से मुख्तलिफ है। तो ये बहुत ही क्या कहते हैं, आपने टाइम लेकर और हर चीज़ को मॉनिटर करना है और फिर उसका जवाब देना है। और ये, और इसका कोई पर्टिकुलर टेम्पलेट नहीं होता। मुझे अक्सर लोग व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर रहे होते हैं, कॉल कर रहे थे कि आपके पास कोई टेम्पलेट है। देखें, इसका कोई टेम्पलेट नहीं होता। हाँ, इस हद तक हो सकता है कि उसकी ऊपर पहली बॉडी और लास्ट बॉडी आप कॉपी पेस्ट कर लें, लेकिन जो उसकी मेन बॉडी है जहाँ पे आपने जवाब जमा कराना है, वो तो केस टू केस वेरी करता है। तो इसका कोई पर्टिकुलर टेम्पलेट नहीं होता, ये आपने मौके पर बैठ के खुद सोच के ही लिखना होता है। और अगेन, जैसे कि मैंने पहले कहा कि एविडेंस भी आपने साथ क्या कहते हैं टाइप इन करना है। जवाब एक तो लफ्जी जवाब हो गया कि भाई ये डिस्टिंक्टिव है ये, और ये इतने अरसे से क्या कहते हैं कि कोई किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, और फिर नीचे एविडेंस देना है कि किस इतने अरसे से यूज़ हो रहा है, तो आपने डॉक्यूमेंट्स के साथ उसको प्रूफ करना है। तो ये एक मैंने आपको क्या कहते हैं एग्जांपल दे दी। इसी तरीके से और भी क्या कहते हैं एग्जांपल्स हो सकते हैं जिसके अंदर आपको ऑब्जेक्शन आ सकता है। मिसाल के तौर पे आपने अपना सरनेम ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर दिया, उस केस में भी वो ऑब्जेक्शन आ जाएगा क्योंकि ये डिस्टिंक्टिव नहीं है, ये नॉन डिस्टिंक्टिव है। तो इस पे फिर आपको फर्दर एलैबोरेट करना पड़ेगा, ऑब्जेक्शन आएगा, उसके जवाब में लिखें कि भाई किस तरीके से ये डिस्टिंक्टिव है। इसी तरीके से, या अगर आपने ऐसा लोगो पिकअप कर लिया है कि जो बड़ा स्कैंडलस किस्म का है और वो कोई एक पर्टिकुलर सेक्ट जो हमारे कंट्री का है उसको, वो उसकी सेंटीमेंट्स, रिलीजियस सेंटीमेंट्स को हर्ट कर रहा है, तो वो तो एब्सोल्यूट ग्राउंड ऑफ रिफ्यूज़ल होता है। उसमें ऑल्दो चांस मिलेगा लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। और इसी तरीके से, और अगर हम मिसाल ले लें जिनमें ऑब्जेक्शन आ जाता है, ऑब्जेक्शन इस तरीके से भी आता है कि अगर आपने एप्लीकेशन जब फाइल की, उसमें जब चीज़ें डाटा एंट्री कर रहे थे उसके अंदर आपने कोई मिस्टेक कर दी, नाम के स्पेलिंग्स की, या एड्रेस पूरा नहीं लिखा, या बिज़नेस का नाम जो है बिज़नेस नेम लिखा है लेकिन उसका कोई लीगल डॉक्यूमेंट अगर फर्दर रजिस्ट्रार को चाहिए उसको के प्रूफ करने के लिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, उन्होंने वहाँ इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट अपलोड करने की टैब दी लेकिन वहाँ पर आपने इंस्टेड कोई और डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, बट रजिस्ट्रार को इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट चाहिए, गलती हो गई आपसे, तो फिर वो आपको कहेगा कि भाई ये TM16 फॉर्म के थ्रू जो भी एक एरर्स उसने पिन पॉइंट किए होंगे रजिस्ट्रार ने, वो कहेगा TM16 फॉर्म फिल करके उसको उसका रिप्लाई करें और उसकी फ़ीस भी साथ लगेगी। एक ये सूरत हो सकती है ऑब्जेक्शन आने की। इसी तरीके से और भी बहुत चीज़ें, जैसे कि आप किसी जगह का नाम आपने अपने प्रोडक्ट का नाम रख लिया है, अगर मिसाल ले लेते हैं कोई
जैसे फैसलाबाद टी के नाम से आपने प्रोडक्ट निकाल दी और फिर आपने ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया, तो फिर उस केस में भी आपको क्या कहते हैं कि ऑब्जेक्शन आ सकता है, क्योंकि आप ज्योग्राफिकल एक लोकेशन यूज़ कर रहे हैं जो कि बहुत नॉन एक जगह है, तो उसके राइट्स आप नहीं ले सकते कि आप अब कोई फैसलाबाद कोई नाम ही ना यूज़ करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उस केस में भी आपको फिर नोटिस आएगा, तो आपने उसका जवाब देना होगा कि क्या वजूहत हैं जिस बेस पे आप फैसलाबाद टी का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन मैंने जैसा कि कहा कि आप ये सिर्फ लफ्जी क्या कहते हैं हद तक नहीं आपने रहना, इसके वन पैरा बाय पैरा जो भी आपको ऑब्जेक्शन आया उसने पैरा बाय पैरा आपने उसका हर चीज़ का एविडेंस के साथ जवाब देना है। और ये जैसे कि मैंने 5-6 मिसालें दे दी हैं, इसी तरीके से और भी बहुत क्या कहते हैं कि एग्जाम्पल्स बन सकती हैं। अगर मैं और सोचूं, जैसे कि एक आपने नाम सोच लिया जो कि है कस्टमरी लैंग्वेज का पार्ट। कस्टमरी लैंग्वेज से मेरा मुराद ये है कि जैसे कि मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ, इसमें कोई ऐसा लफ्ज़ उठा के मैं अपने प्रोडक्ट का नाम रख लूँ और उसको ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर दूँ, उस केस में भी रजिस्ट्रार आपको फिर ऑब्जेक्शन सर्व करेगा और उसमें वो कहेगा कि भाई ये क्या कहते हैं डिस्टिंक्टिव नेम नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ कस्टमरी लैंग्वेज जो कि अवेलेबल है तमाम लोगों को, वो तमाम वो लफ्ज़ जो लोग हैं अपने क्या कहते हैं यूज़ कर सकते हैं, इससे ये नहीं हो सकता कि आप उसका अपने पास राइट्स रख लें। इसी तरीके से और भी ढेरों मसाले हैं जिनकी बेस पर आपको ऑब्जेक्शन आ सकता है। अगेन जैसे कि मैंने पहले कहा कि मुझे लोग काफ़ी कह रहे थे कि टेम्पलेट टेम्पलेट टेम्पलेट, इसका कोई टेम्पलेट नहीं होता, इसको आपने मतलब एक हद तक हाँ आप कह सकते हैं कि आप आइडिया ले सकते हैं कि किसी से आप ले लें जिन्होंने ऑब्जेक्शन का रिप्लाई सर्व क्या कहते हैं सबमिट किया हो, तो आप उनसे लेके एक यस आप आइडिया ले सकते हैं कि किस तरीके से उसने ड्राफ्ट किया, उसका ओपनिंग किस तरीके से थी, उसकी स्टार्टिंग किस तरीके से, फिर उसकी क्लोजिंग किस तरीके से थी, ये यस आप ये इस हद तक आइडिया ले सकते हैं, लेकिन उसकी जो मेन बॉडी है वो प्रॉपर असेसमेंट के साथ ही लिखी जाती है ताकि आपका जो रिप्लाई है वो स्ट्रांग हो, कोई वीक ना हो। अगर वीक होगा तो फिर क्या होगा, वो डायरेक्टली आपको हेयरिंग का क्या कहते हैं लेटर भेज देगा कि हेयरिंग है, अब फिर हेयरिंग के लिए लाहौर इस्लामाबाद कराची या पेशावर जहाँ एप्लीकेशन फेंकी आपने वहाँ जाना पड़ेगा। और अगर आपने ऑब्जेक्शन अगर आपने बड़ा ही प्रोफेशनल वे में ड्राफ्ट किया हुआ है और एविडेंस के साथ आपने क्या कहते हैं रिप्लाई जो है ड्राफ्ट करके भेजा है, तो उसमें बहुत पोटेंशियल है कि वो एक्सेप्ट हो जाए और जो ऑब्जेक्शन था वो वेव ऑफ हो जाए और आपकी एप्लीकेशन पब्लिकेशन की तरफ चला जाए की तरफ चली जाए। तो आई थॉट कि इसके ऊपर मैं एक क्या कहते हैं वीडियो क्या कहते हैं बड़ी सी बना दूं जिसके अंदर मैं मल्टीपल एग्जांपल्स भी शेयर करूं आपके साथ किन किन में ऑब्जेक्शन आ सकता है, और ये भी बताऊं कि ऑब्जेक्शन के आने से कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, ये बहुत ही नॉर्मल है। हम इंसान हैं, हर कोई गलती कर सकता है और हर किसी ने ट्रेडमार्क का जो ऑडियंस है वो नहीं पढ़ा हुआ, तो वी डोंट नो कि हम किस क्या कहते हैं कि तरीके से एप्लीकेशन ड्राफ्ट कर रहे हैं, तो इट्स पॉसिबल कि ऑब्जेक्शन आ जाए। लेकिन जैसे कि मैंने ट्रेडमार्क की पिछली वीडियोस में भी कहा है कि प्लीज़ अगर आप ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपने जो नाम सोचा है वो प्लीज़ डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, किसी और के इस्तेमाल में ना हो। ये अब मैं बहुत दफ़ा ये बात रिपीट कर चुका हूँ, अगेन रिपीट हो रही है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज़ को समझें कि नाम क्या कहते हैं कोई डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, कोई ऐसा जेनेरिक सा नाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका भला है, आपको ये फिर ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो छोटा मोटा यही कि क्लैरिकल एरर एड्रेस या फलां इस तरह की चीज़ में, कोई मेजर किस्म का ऑब्जेक्शन नहीं आएगा जो फिर जिससे आप सिर्फ सर पकड़ के बैठ जाएं और फिर पैसे आपके आप फिर लगाते फिरेंगे कि इसका रिप्लाई बनवाएं और फिर रिप्लाई जाए और फिर आपकी फिर एप्लीकेशन भी डिले हो जाए और फिर हेयरिंग अगर आ गई फिर अगेन आप जाएँ तो कॉस्ट काफ़ी एक्सपेंड हो जाती है। थैंक यू सो मच, आई होप कि इस वीडियो से आपके बहुत ही जो भी क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स इसमें मैंने दिए, आई होप कि उससे आपको बहुत भला हुआ होगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी।